से मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारी किरण भाभी की मेंटालिटी का। मैंने तुम्हें वार्न तो किया था। हाँ वार्न किया था, पर उस वक्त मैं पता नहीं क्यों समझ नहीं पाई। एक बात बताऊं, मेरी मॉम ने भी मुझे उसके बारे में वार्न किया था, लेकिन मैंने उनकी बात को भी फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल ठीक बोल रही थी। मेरी ना सही, कम से कम अपनी अम्मी की ही बात पे कान धर लेती। यार एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि इस तरह की लड़की आपकी फैमिली का पार्ट कैसे हो सकती है। कहाँ आप लोग और कहाँ वो, पर अब मैं जान गई हूँ कि ऑब्वियसली उसने अपने आप को वेल ऑफ शो करके आप लोगों से रिश्ता जोड़ा। पर आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ, बिकॉज अपर क्लास और मिडिल क्लास में तो काफी फर्क होता है। यार सच बताऊं तो मुझे तो पहले दिन से डाउट था, लेकिन हम लोगों के यहाँ अपर क्लास लोअर क्लास इतना मैटर नहीं करता। और भाभी की अम्मी, उन्होंने तो पहले दिन से पैसे दिखाया था कि बहुत मेहमान नवाज है, सलीका पसंद है, पता नहीं कितनी अच्छी है। खैर, भाभी की अम्मी से मिली हो तुम? मुझे कोई शौक नहीं है उनसे मिलने का। अच्छा फायजा आपा के टाइम पे भी आप लोगों के साथ यही धोखा हुआ था क्या? मतलब यावर भाई की फैमिली बिल्कुल ठीक है, अच्छी खासी है, पढ़ी लिखी है और खाते पीते लोग हैं। किरण भाभी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो क्या? कुछ नहीं। अच्छा मैं कह रही थी कि नवीन के टाइम पे आप थोड़ी सी केयर करिएगा। कज उसे बिल्कुल भी शौक नहीं है बाहर जाने का, और ना ही वो मॉडर्न ड्रेसिंग करती है, ना उसने कोई मॉडर्न हेयर कट लिया हुआ है। कहीं भी जाना हो कुछ भी पहन के निकल जाती है, बहुत सिंपल है। आजकल सिंपलिसिटी की बेसिस पे कोई शादियां नहीं होती।